शेर के मुंह में हाथ डालना क्या होता है, अब टर्की को ये अच्छे से पता चलेगा। हाल ही में भारत ने टर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया अपने एक काफी मैसिव मेगा प्रोजेक्ट से। 2.3 बिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट था। 2020 में भारत ने तय किया था कि हम टर्की के साथ काम करेंगे, लेकिन अब टर्की को धक्के मारकर निकाल दिया गया है। पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड काफी अत्याधुनिक 5 फ्लीट सपोर्ट शिप भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती थी और इसका पूरा काम स्क्रैच से होना था। डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर एवरीथिंग। और इसमें टर्की की काफी जानी मानी कंपनी है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से टर्की ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया है, मालदीव के साथ हाथ मिलाकर के भारत के ही खिलाफ अपने ड्रोन्स का यूज करते आ रहे हैं, ये सब देखकर भारत ने इनको धक्के मारकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये खुद ही अपने दम पर डिजाइन वर्क कर रही है कोची बेस्ड फर्म डिजाइन कंसल्टेंसी के साथ मिलकर। तो पूरा प्रोजेक्ट ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही किया जा रहा है। इस तरह के शिप्स को मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी को डिलीवर भी कर दिया जाएगा 2027 के मिड तक। और ये हाल ही में HSCL ने अपने एक बयान में कंफर्म भी किया है। ये काफी बड़ी बात है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है और हमने टर्की को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बावजूद भी डेडलाइन को मीट करते हुए मिड 2027 तक डिलीवर कर देगा। वाकई में काफी बड़ी बात है। ये 40,000 टन्स डिस्प्लेसमेंट वाले शिप है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी भरकम सामान ले जाने में सक्षम है। अब ये जो शिप्स हैं, यहाँ पर इंडियन नेवी सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन, फिर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, इमरजेंसी के केस में, नेचुरल कैलामिटीज, इन सब में यूज किया जाएगा। और ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे OEMs, हमारे जो भी MSMEs हैं, उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट होंगे। पूरे के पूरे शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट से इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक काफी बड़ा प्लेयर बन जाएगा। टर्की को भी समझ में आ चुका है कि भारत से अगर पंगा लिया जाता है तो कैसे इनको हजारों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।